गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डू स्किप काउंटिंग। स्किप का मतलब होता है छोड़ना। छोड़ना यानी मैथ्स में हमें चीजें तो छोड़नी नहीं है, मैथ्स में हमें नंबर्स को छोड़ के आगे बढ़ना है। तो आज हम तीन तरह के स्किप काउंटिंग करेंगे, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्किप काउंटिंग टेंस। यानी जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें टेंस में स्किप करनी है। तो फर्स्ट है 3250। अब इसमें टेंस वाला प्लेस में क्या लिखा है, 50। तो 3200 एज इट इज होगा और 50 की जगह पर 60 लिखा जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 3250 के बाद क्या आएगा, 60। यानी 10 नंबर इसमें एड होते जा रहे हैं टेंस वाले प्लेस में। नेक्स्ट लिखा है 3280, तो अब इसमें 10 नंबर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 3290। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्किप काउंटिंग हंड्रेड्स। नंबर लिखा है 2785। अब इसके 100 वाले प्लेस जो है वो चेंज होंगे, तो 100 वाले प्लेस 7 लिखा है, 2000 एज इट इज हो गया, 7 की जगह पर 800, देन 85। इसके बाद 2885 के बाद अगर 100 वाला प्लेस चेंज करते हैं तो 800 के बाद क्या आता है, 900। तो वो सही लिखा है 2985। अब 900 में अगर 100 ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो आप इसे साइड में ऐड करके देख लो ताकि कोई कंफ्यूजन और गलती होने के चांसेस ना हो। 5, 8, 9 और 1, 10 और 1 इसमें ऐड हो गया, 2, 3। तो 3085। अब 3085 में 100 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3185। थर्ड टाइप क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्किप काउंटिंग थाउजेंड्स। अब यहाँ पे हमें 1000 वाले प्लेस को चेंज करना है, बाकी सारे सेम होंगे। तो 5000 लिखा है तो 5000 के बाद क्या हो सकता है, 6810, 7810, 8810, देन 9810। अब आपने देखा ये हमने तीन तरह से स्किप काउंटिंग की है, जिसमें फर्स्ट वाला टेंस के प्लेस को चेंज कर रहा था, सेकंड वाला 100 वाले प्लेस को चेंज कर रहा है और थर्ड वाला 1000 के प्लेस को चेंज करना है।